शरीर में अगर विटामिन B12 कम है, कमी है, डेफिशिएंसी है, तो उसके कुछ लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले थकान देखने को मिल सकती है, डिजनेस, चक्कर आ सकते हैं, हाथ पैरों में सुन्न होना देखने को मिल सकती है, घबराहट हो सकती है, कई बार मरीजों को कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, थकान बहुत ज़्यादा होती है। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको B12 डेफिशिएंसी की वजह से उनको स्किन की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनकी वाल झड़ने लगते हैं, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको एनीमिया हो जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। परनीसियस एनीमिया में ऐसा देखा गया है कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। तो अगर किसी मरीज को विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो ये लक्षण कॉमन है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे B12 की डेफिशिएंसी। जब मरीज को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कई सारे लक्षण मरीज में देखने को मिलते हैं और मरीजों को पता ही नहीं लगता है कि हमें कोई बीमारी है या फिर कॉमन हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो अगर किसी मरीज को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है और वो मरीज अगर कोई अन्य दवाई लेता रहता है तो उस मरीज को रिलीफ नहीं मिलेगा, उस मरीज को केवल हमें विटामिन B12 देने से ही रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज वो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकता, उस मरीज की परेशानियाँ बढ़ती रहेंगे। तो विटामिन B12 जो होता है उसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, या विटामिन B12 कौन सी बीमारियों में किस किस कंडीशन में कम हो सकता है हमारे शरीर के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप कहीं भी स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी स्किप किया तो हो सकता है कि आपके मतलब की चीज़, जो आपके मतलब की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस कर दें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरा ज्ञान ही आपको आगे तक ले जाता है। अगर आप आधी अधूरी जानकारी देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि विटामिन B12 की जो पूरी जानकारी आपको मिल पाए, और आप विटामिन B12 की कमी अगर शरीर में है, आपको परेशान है आप उससे, तो आपकी ये समस्या कभी ठीक हो पाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और B12 की डेफिशिएंसी जो है उसे कैसे पूरा करेंगे इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जब भी हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो कई सारे सिम्टम्स हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है वीकनेस होना, थकान होना, बालों का गिरना, भूख कम लगना, हाथ पैरों में सुन्नपन होना, कमजोरी, थकान, ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा रहना, चेहरे की चमक खत्म हो जाना, भूख न लगना, आंतों की बीमारियां होना, हड्डियों की बीमारियां होना, स्किन की बीमारियां होना, और कई अन्य प्रकार की बीमारियां होती हैं जो मरीज को विटामिन B12 की कमी से हो जाती हैं। RBCs भी कई बार डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि अगर विटामिन B12 नहीं होगा तो RBCs में भी फॉर्मेशन में भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए विटामिन B12 की कमी अगर किसी मरीज को है तो उसको दवा देना या विटामिन B12 लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन B12 होता क्या है, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि ये हमारे पेशाब के द्वारा बाहर निकल सकता है, और ये डेफिशिएंसी होने का कारण भी यही होता है। अगर किसी मरीज को विटामिन B12 ज़्यादा दे दिया जाए या फिर उस मरीज को विटामिन B12 की मात्रा कम होती जा रही है, तो हो सकता है कि वो पेशेंट को बार बार पेशाब जाने के साथ में उस पेशाब में विटामिन B12 जा रहा हो, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी किन किन कारणों में होती है, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 हमें शरीर में कम देखने को मिलता है, तो सबसे पहला कारण होता है दोस्तों अल्कोहल। अगर अल्कोहल का सेवन आप करते हैं या घर में कोई सेवन करता है या मरीज कोई अल्कोहल का सेवन करता है, तो अल्कोहल से लिवर तो डैमेज होता ही है, इसके साथ में हमारे B12 की जो मात्रा होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो अल्कोहल वाले पेशेंट्स को होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर अल्कोहल वो लेते रहेंगे तो लिवर को भी डैमेज कर रहे हैं वो लोग, और अपने शरीर के अंदर जो
विटामिन्स हैं या जो मिनरल्स हैं उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, स्पेशली विटामिन B12 को भी डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी बीमारियां, काफ़ी सारे लक्षण उनको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण अल्कोहल है। इसके अलावा दूसरा रीज़न होता है दोस्तों, 50 साल की उम्र के बाद, यानी कि जिनकी उम्र 50 साल से अधिक होती जा रही है, जिनकी उम्र 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 है, यानी कि 50 से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उन मरीजों में भी विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है और हमारी एजिंग प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो काफ़ी सारी विटामिन्स, काफ़ी सारे मिनरल्स हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो हमारे, क्योंकि उसका रीज़न एक और होता है कि हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो डाइजेशन प्रॉपर ना होने की वजह से जो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए, जो शरीर के अंदर ज़्यादा लगनी चाहिए, आप कहते हैं कि मरीज हमारा खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, और दूसरे मरीज को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खाना भी बहुत तेज़ खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन उस मरीज को मोटापा नहीं हो रहा है, उस मरीज, वो मोटा मरीज नहीं हो रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब आप लोग घर पे कहते हैं कि उस मरीज का खाना जो है वो शरीर में लग नहीं रहा है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस मरीज़ की जो इंटेस्टाइन है, उस मरीज़ की जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो सही नहीं है। खा तो रहा है मरीज लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है शरीर के अंदर, तो जो खाएगा वो 4-5 घंटे बाद निकल जाएगा या 6-7 घंटे बाद निकल जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए 50 साल के बाद हमारी आंतें काम करना धीरे धीरे कम कर देती हैं और हमारी जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, कई सारे चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, लगभग मोस्टली सभी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं, तभी तो हमारी बॉडी काम कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी मरीज को आंतें कम काम कर पाती हैं तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी 50 साल के बाद में धीरे धीरे होने लगती है। इसके अलावा जो मरीज ज़्यादा एंटासिड से लेते हैं, यानी कि जो गैस की दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, उन मरीजों में भी विटामिन B12 कमी हो जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो विटामिन B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो विटामिन B12 अगर किसी मरीज का है तो उसकी एक बार हिस्ट्री ज़रूर देख लें कि उस मरीज को कहीं एंटासिड्स लेने की कोई रूटीन में आदत तो नहीं है, या पेशेंट ले तो नहीं रहा है, या विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है। इसके साथ में दोस्तों शुगर की दवाई, जो मेटफॉर्मिन मेडिसिन होता है, शुगर की दवाई जो होती है, अगर मरीज वो दवाई ले रहा है तो उसकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 अगर शरीर में कम हो रहा है तो आप एक बार ज़रूर देख लें कि कहीं हम या हमारे घर में या हमारा फैमिली मेम्बर कोई शुगर की टैबलेट तो नहीं ले रहा है, या फिर उसकी अगर शुगर की टैबलेट चल रही है तो उस मरीज को विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसीजेस, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज, अगर किसी मरीज को ऑटोइम्यून डिसीज है, शरीर के अंदर ही खुद की सेल्स डैमेज कर रही है हमारे इम्यून सिस्टम को, तो ऐसी स्थिति में भी हो सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन किसी को क्रोन्स डिसीज है, आंतों की कोई बीमारी है मरीज को, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है, उस मरीज को भी ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों और क्या कारण हो सकते हैं? शाकाहारी लोग यानी कि जो लोग अंडा, वेज, नॉन वेज नहीं खाते हैं, ऐसी स्थिति में उनको भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। यानी कि जो हम दूध लेते हैं, जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स लेते हैं, जो हम हरी सब्जियां खाते हैं, जो सैलेड्स हम लेते हैं, फल फ्रूट्स हम लेते हैं, तो कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा ना होने की वजह से या जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती है, वो उसकी वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं खा पाते, जैसे कि दूध सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। डाइट्री फैक्टर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शरीर में विटामिन्स की कमी के लिए। अगर हम सही तरीके से खाना नहीं खाएंगे, सही तरीके से फल फ्रूट्स का सेवन नहीं करेंगे, सही मात्रा में दूध का सेवन नहीं करेंगे, सही मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियों का सेवन नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से सैलेड्स का सेवन नहीं करेंगे, तो आपके शरीर में काफ़ी सारे विटामिन्स, काफ़ी सारे मिनरल्स की कमी देखने को मिलेगी। और स्पेशली विटामिन B12 ज़्यादा कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ों में ही हमें देखने को मिलता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें विटामिन B12 हमें देखने को नहीं मिलता है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी होगी। तो सबसे पहला था अल्कोहल, दूसरा था जो एंटासिड्स दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, गैस की दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, तीसरा जिनको शुगर है, जो शुगर की दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, मेटफॉर्मिन उनकी दवाई चल रही है, या ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, या ऐसे लोग जो शाकाहारी हैं, जो बाहर की जैसे अंडा वगैरह नहीं खाते हैं और बिल्कुल वेजिटेरियन है, बिल्कुल
शुद्ध खाना खाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको भी विटामिन बी ट्वेल्व की कमी हो सकती है। अब बात करें कि कैसे पूरा कर सकते हैं विटामिन बी ट्वेल्व को, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, पता लगाना होगा कि किस वजह से हमें कमी हो रही है। तो सिंपली अगर आप ये पता लगा लें कि हमें इस चीज़ से कमी है विटामिन बी ट्वेल्व की, तो आप आसानी से विटामिन बी ट्वेल्व को पूरा कर सकते हैं बॉडी के अंदर। अगर डाइट्री फैक्टर इन्वॉल्व है तो आप उसे हटाएं, खाने पीने पर सुधार करें। इसके अलावा अगर किसी को कोई अल्कोहल लेने की आदत है तो अल्कोहल बंद करें, या जिन मरीजों को मेटफॉर्मिन दवाई चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके साथ में भी वो कई बार विटामिन बी ट्वेल्व दे देते हैं, या फिर अदर मेडिकेशंस के साथ में बी ट्वेल्व देने की वो कोशिश करते हैं, जिससे कि मरीज को विटामिन बी ट्वेल्व की कमी नहीं हो। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो मल्टीविटामिन टैबलेट ले लें आप, या मल्टीविटामिन टैबलेट्स अगर आपको नहीं लेनी है तो आप खाने पीने पर सुधार करें, दूध खाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, हरी सब्जियां खाएं, सैलेड से प्रॉपर तरीके से लें, पानी ज़्यादा पिएं, कब्ज नहीं होने दें, एंटासिड से दवाइयां कम खाने की कोशिश करें। तो ऐसी स्थिति में आप इसे ठीक कर सकते हैं। शरीर में अगर विटामिन बी ट्वेल्व कमी है डेफिशिएंसी है, तो उसके कुछ लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले थकान देखने को मिल सकती है, डिजनेस, चक्कर आ सकते हैं, हाथ पैरों में सुन्न होना देखने को मिल सकती है, घबराहट हो सकती है, कई बार मरीजों को कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, थकान बहुत ज़्यादा होती है। कई ऐसे मरीज होते हैं जिनका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी की वजह से उनको स्किन की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनकी वाल झड़ने लगते हैं, कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको एनीमिया हो जाता है विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी से। पर्निशियस एनीमिया में ऐसा देखा गया है कि विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी होती है। तो अगर किसी मरीज को विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी है तो ये लक्षण कॉमन है। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन लेते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।